बहुपद शुरू किए हैं, क्लास टेन में बहुपद शुरू किए हैं मैथ में। तो बहुपद में रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, इन सबके ग्राफ के बारे में भी बताना है। तो आज रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचकर बताते हैं। बोर्ड में जिस तरह बनता है बताते हैं, आप लोग आप स्केल से वहाँ बनाइएगा। चूँकि रैखिक बहुपद में एक घात होता है, रैखिक बहुपद इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल एक घात वाला बहुपद है। इसका रूप है, इसका रूप है ए एक्स प्लस बी। उदाहरण के लिए टू एक्स प्लस थ्री एक बहुपद है, इसका ग्राफ खींचना है। 2x प्लस थ्री का ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले लिखेंगे y बराबर 2x प्लस थ्री, y बराबर 2x प्लस थ्री। अब x का कुछ मान रखेंगे, y का कुछ मान आएगा। x का मान रखते हैं जीरो, तो y बराबर दो गुना जीरो प्लस तीन, तो दो गुना जीरो जीरो हो गया प्लस तीन, वाई का वैल्यू तीन हो जाता है। अगर एक्स का वैल्यू एक रखते हैं तो वाई का वैल्यू कितना हो गया दो गुना एक, यानी दो गुना एक प्लस तीन, तो दो प्लस तीन पाँच हो जाता है। एक्स का वैल्यू एक रखने पर वाई का वैल्यू कितना होता है पाँच। इस तरह एक्स का वैल्यू अगर हम दो रखते हैं तो वाई का वैल्यू दो गुना चार, तीन सात हो जाता है। अगर x का वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो y का वैल्यू कितना हो जाता है दो गुना माइनस वन, माइनस दो प्लस तीन एक हो जाता है। कम से कम दो वैल्यू लेकर ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहले x अक्ष लेते हैं, ग्राफ पेपर पर x अक्ष बढ़िया से खींचिए, ग्राफ पेपर पर लाइनिंग तो दिया रहता है, एक x अक्ष खींच लिए। x अक्ष जो है पहले x अक्ष खींचते हैं, ये हुआ x अक्ष और दूसरा क्षैतिज रेखा जो होता है y अक्ष हुआ है। जहां पर दोनों कटता है जीरो हो गया मूल बिंदु, x का वैल्यू एक दो तीन चार पाँच छ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। अब ग्राफ खिंचा कैसे जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर जीरो है तो वाई का वैल्यू क्या है तीन है, एक्स का वैल्यू जीरो यहाँ पर हुआ, वाई का वैल्यू प्लस तीन में है ऊपर जाएंगे तीन घर, यहाँ तीन है, वाई का वैल्यू ये हुआ जीरो का तीन। फर्स्ट एंट्री एक्स का वैल्यू होता है, सेकंड एंट्री होता है वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जीरो वाई का वैल्यू तीन लिख दिए इस तरह से। दूसरा में एक्स बराबर वन है तो वाई बराबर फाइव है, एक्स बराबर वन वाई बराबर फाइव, एक्स बराबर वन यहाँ प्लस में है वाई बराबर फाइव ऊपर जाएगा फाइव, इसके सीध में जाएंगे इस तरह से फाइव यहाँ है वन का फाइव, एक्स का वैल्यू वन तो वाई का वैल्यू फाइव, एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू सेवन, एक्स का वैल्यू टू वाई का वैल्यू सेवन, इसका सीधा चलेंगे
सेवन, टू का सेवन, और माइनस में लेते हैं तो इसका वैल्यू माइनस वन का वाई का वन आता है, इसका माइनस वन ये हो गया वाई का वन, इसका सीधा प्लस में वन है, माइनस वन का वन आता है। अब इस ग्राफ को खींच देंगे, यानी ये ग्राफ यहां पर कटा है तो x का वैल्यू क्या निकला, अगर हम निकालना चाहें तो 2x प्लस थ्री इजिकल टू जीरो, तो 2x इजकल टू माइनस थ्री, एक्स इजकल टू माइनस थ्री बाई टू बराबर माइनस वन पॉइंट फाइव। और ग्राफ देखिए x अक्ष को ठीक माइनस वन और माइनस टू के बीच में काटा है ना, तो यहां पर वैल्यू क्या हुआ माइनस वन पॉइंट फाइव। जब यहां सिंपल ग्राफ में एक्यूरेट वैल्यू आ गया है तो आप लोग ग्राफ पेपर में बनाइएगा इसको, एकदम एक्यूरेट जो है माइनस वन और माइनस टू के बीच कटेगा। रैखिक बहुपद का ग्राफ क्या है, एक अक्ष को किसी एक पॉइंट पर काटता है वही उसका शून्य हो जाता है, हल हो जाता है। इस तरह इस ग्राफ का हल क्या हो गया माइनस वन पॉइंट फाइव या माइनस थ्री बाई टू, ठीक है यही तो रखा जाए। तो ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को, तो x अक्ष जो लेते हैं ये क्षैतिज रेखा को x अक्ष बोलते हैं और उदग्र रेखा को y अक्ष बोलते हैं, यानी क्षैतिज रेखा को हम हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं और ये x एक्सिस कहलाता है, और दूसरा जो खड़ी रेखा जो है जिसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं उदग्र रेखा, इसको y अक्ष बोलते हैं, और दोनों रेखा जिस पॉइंट पर कटती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं, यानी उसको वहां पर दोनों का जो है कोऑर्डिनेट्स क्या होता है शून्य होता है, यहां x का वैल्यू भी शून्य होता है y का वैल्यू भी शून्य होता है। y अक्ष से x की दूरी को भुज बोलते हैं, फीसा बोलते हैं, और इधर धनात्मक और पॉजिटिव दाएं तरफ, और बाएं तरफ क्या होगा y अक्ष से x की दूरी को बोलते हैं निगेटिव, मैंने उसको फीसा बोलते हैं भुज बोलते हैं, लेकिन ऋणात्मक होता है वैल्यू माइनस में वैल्यू होता है, और ऊपर जाता है एक अक्ष से वाई का वैल्यू ऊपर में वाई का वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं कोटि, और एक अक्ष से नीचे वाई का वैल्यू क्या होता है कोटि, निगेटिव में जाता है ऊपर पॉजिटिव में। इस तरह से क्षैतिज रेखा को एक अक्ष और उधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, और एक्स का वैल्यू को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं एब्सिसा, और वाई का वैल्यू को बोलते हैं कोटि, मैंने वाई अक्ष से एक्स का जो मान है दूरी है उसको भुज बोलते हैं, और एक्स अक्ष से वाई का जो वैल्यू है उसको बोलते हैं कोटि, मैंने वाई का मान हुआ, तो वाई का मान को कोटि बोलते हैं, एक्स का मान को भुज बोलते हैं, एब्सिसा ऑर्डिनेट है ना, वाई अक्ष से एक्स का मान को क्या बोलते हैं भुज, और एक्स अक्ष से वाई का मान क्या बोलते हैं कोटि, तो भुज और कोटि को समझ लेना जरूरी है। तो यहां पर जो पॉइंट्स लिए हैं जीरो थ्री, यानी भुज बराबर हो गया जीरो और कोटि बराबर तीन, यानी एक्स का मान जीरो वाई का मान तीन, यहां पर वन टू फाइव का मतलब हुआ एक्स का मान वन वाई का मान फाइव, टू सेवन का मतलब हुआ एक्स का मान टू वाई का मान सेवन, यहां माइनस वन और वन का मतलब हुआ एक्स का मान माइनस वन वाई का मान वन हो गया, और ये ग्राफ कटा कहां पर है माइनस वन और माइनस टू के बीच में, यही इसका शून्य हो गया जिस तरह से यहां निकाले माइनस थ्री बाई टू या माइनस वन।